मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले ढिंडोरी के यूं तो कई गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं और बड़े बड़े अक्षरों से यहां ओडीएस प्लस भी लिख दिया गया है, लेकिन यहां की हकीकत कुछ और ही है। तमाम घर अब भी यहां शौचालय विहीन है। ओडीएस प्लस लिखा देखकर ये माना जा सकता है कि ढिंडोरी के गाँव में स्वच्छता की बयार चल रही है, घर घर शौचालय बन चुके हैं, लेकिन जब गाँव की महिलाओं से बात की गई तो सारी सच्चाई पत्थरों को चीर कर सामने आ गई। ओडीएफ प्लस गाँव की रहने वाली महिलाओं ने बताया कि अभी तमाम घरों में शौचालय बने ही नहीं है, इलाके में पानी की भी जबरदस्त किल्लत है। नहीं बना है, कुछ कहाँ बना है पर कुछ कहाँ नहीं बना है, ऐसा है, गलत है। कुछ कहाँ है, कुछ कहाँ नहीं, कुछ स्वयं से बनवाए हैं तो वो अपने शौचालय में जाते हैं, कुछ के नहीं बनाए तो यहाँ मैदान में जाते हैं। हम पानी मांग करते हैं और शौचालय मांग करते हैं। सब घर में होना चाहिए, सब घर में होना चाहिए। ढिंडोरी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत नरिया के ग्राम बरबसपुरा रैयत को कागजों में और शिलालेख में ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है, लेकिन गांव की महिलाओं की माने तो पानी की जटिल समस्या और अधिकांश घरों में शौचालय ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर से ओडीएफ प्लस ग्राम कैसे घोषित कर दिया गया। गांव की महिलाओं ने गांव में पानी की समस्या दूर करने व हर घर नल जल योजना के तहत पानी दिए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। महिलाओं ने बताया शाहपुरा विधायक भूपेन्द्र मरावी भी गाँव में झांकने आज तक नहीं आए। बहुत समस्या है, हमें बहुत दूर भी है और पानी भी बहुत दूर पड़ा थे। अच्छा घाट है हमारा यहाँ तो, आप जा के देख लिए बेग। अरे देखे जो आते हैं भी तो बोलते हैं कि बनाओ बनाओ कह के पानी देव कह के, तो वो पानी भी नहीं भी भेज रही ना। वह नदी से लाते हैं, नहा खा जाते हैं, तो कुछ नाला भी जा रहे हैं, मुंड में धर के ला रहे हैं, कई खेत शौचालय में जा रही है, कई खेतन में जा रही है। भाई कई जन के बने हैं, कई इनके नहीं बने हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।